हेलो, आज के वीडियो में हम ये वाला पेंडेंट बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो ये पत्ती है ना, ये बनानी पड़ेगी। तो फर्स्ट जो सबसे स्मॉल पत्ती है वो कितनी है हमारी? 1 2 3 4, ठीक है, 4 पत्ती है हमारी। ठीक है, तो हमने ली यहाँ पे सिंगल लाइन ली, 0 एंटर किया। मैं यहाँ पे 5 mm तक लाइन ले लेती हूँ। 5 एंटर मैंने यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके सीधा करके 5 mm तक ये लाइन लगा ली। ठीक है, इस तरह से इसका कलर मैं यहाँ से ये वाला कर देती हूँ रेड। ठीक है, ये लाइन दिख रही है मुझे। यहाँ पे 4 पत्ती चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे 8 लाइन लगा लूंगी। तो मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगी, मतलब उसका डबल, और मैं यहाँ पे करूंगी ट्रांसफॉर्म, अरे अरे पोलार, 0 एंटर, 8 एंटर, 360 एंटर, एंटर। उससे मुझे क्या पता चल जाएगा, मेरे पास ये दोनों लाइनें आ गई और ये बीच वाली लाइन आ गई। मतलब जो पत्ती है ना, मुझे इन दोनों लाइनों के बीच में ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ से ये वाला लिया मैंने ऑप्शन, ये वाला इंटरपोलेट पॉइंट्स, और 0 एंटर किया, और यहाँ से अपनी पत्ती मैंने ड्रॉ करनी स्टार्ट करी इस तरह से, और राइट क्लिक किया और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया स्मूथ। मतलब मुझे पत्ती है ना, जो ये पत्ती की जो लाइन है ना, मुझे ये इसके अंदर अंदर रखनी है, इससे बाहर नहीं रखनी है। अगर इससे बाहर रखूंगी तो वो दूसरे वाली जो पत्ती आएगी उसके अंदर मर्ज हो जाएगी। तो मेरे को ये इस लाइन से इस तरफ ही चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से करूंगी री बिल्ड। यहाँ से मैं इसके पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स कर किए मैंने यहाँ से, और ओके किया, और यहाँ से मैं पॉइंट्स ऑन करूंगी और इसको प्रॉपर बना लूंगी मैं, प्रॉपर शेप में इस तरह से। एक एक पॉइंट थोड़ी बहुत हो तो चल जाएगी, बट ज्यादा वो सही नहीं रहेगी, इसलिए इस तरह से लाइन लगा के कर ले तो हमारा थोड़ा इजी वर्क हो जाता है, हमें बार बार में फिर चेंज नहीं करना पड़ेगा। को मैंने थोड़ा सा ऐसे उठाया, ठीक है, और इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे रखती हूँ। ठीक है, और यहाँ से वापस से पॉइंट्स ऑफ करके मैंने इसको वापस से कर दिया रिबिल्ड। ठीक है, और मैंने इसको जी गोल्ड में दूसरी तरफ जाके मिरर कर दिया। देखो यहाँ पे इनके बीच में गैप आ गया, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से दोनों के एक साथ पॉइंट्स ऑन करूंगी और इसको मैं यहाँ पे उठा के इसको ऐसे रख दूंगी इस तरह से, ये बिल्कुल गोल हो जाएगा यहाँ से, और पॉइंट्स ऑफ कर दूंगी। ठीक है, ये बन गया मेरा, और इसको मैं ज्वाइन कर लूंगी। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे हाइड करके रख लूंगी। ठीक है, अभी मैं इसको डिलीट करूंगी। ठीक है, अब मुझे ये वाली पत्ती चाहिए यहाँ पे। ये मैं काउंट करूंगी कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास 6 है। ठीक है, तो मैं वापस से लाइन लगाऊंगी, 0 एंटर। अभी मैंने 5 mm की लाइन ली थी, तो मैं 2 mm और बढ़ा देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं 2 mm और बढ़ा दिए, तो मैंने यहाँ पे 7 mm की लाइन ली। ठीक है, और इसका भी मैंने कलर चेंज कर दिया। ये मुझे यहाँ पे 6 लेने हैं, तो मुझे यहाँ पे 12 लाइनें लेनी होंगी। तो वापिस से ट्रांसफॉर्म, अरे पोलार, 0 एंटर, 12 एंटर, 360 एंटर, एंटर। मतलब अब जो पत्ती ड्रॉ करनी है मुझे, इस लाइन और इस लाइन के बीच में ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो मैं वापिस से यहाँ पे सेकेंड नंबर पे ऑप्शन है इंटरपोलेट पॉइंट्स, 0 एंटर करके बिल्कुल सेंटर से वापिस से ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से इसको मैंने यहाँ पे कर दिया स्मूथ, और इसको मैंने किया रीबिल्ड, और वापिस से पॉइंट्स ऑन करके एक एक पॉइंट को मैंने इस तरह से प्रॉपर शेप दी। ठीक है,
थोड़ा और खुला कर देती हूँ मैं इसको। और यहाँ से मैंने पॉइंट्स ऑफ किए और इसको मैंने दोबारा से रीबिल्ड कर लिया और इसको मैंने दूसरी तरफ मिरर किया, दोनों को मैंने यहाँ से ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब जो ये वाली पत्ती है मेरी पीछे वाली, ये भी मैं ऐसे ही ड्रॉ करूंगी, 1 2 3 4 5 6, ये भी मेरी 6 है, तो मैं इसको मैंने यहाँ से हाइड किया। अब मैंने यहाँ पे 7 mm की लाइन लगाई थी, तो मैं 2 पॉइंट और बढ़ा दूंगी, तो मैं यहाँ पे 9 mm की लाइन लगा लूंगी और वापिस से इसको ये वाला कलर दिया मैंने और इसको मैंने यहाँ से किया ट्रांसफॉर्म, अरे अरे पोलार, 0 एंटर, 12 एंटर, 360 एंटर, एंटर और वापिस से इंटरपोलेट्स पॉइंट्स, 0 एंटर और इस तरह से मैं लाइन लगा लूँ। इसको भी मैं यहाँ से कर, इसको पहले मैं यहाँ से स्मूथ और इसको मैं पॉइंट्स ऑन किए, ये बिल्कुल आपको प्रॉपर शेप ड्रॉ करनी है। पॉइंट्स ऑफ किए मैंने, इसको मैंने यहाँ से वापस से री बिल्ड, ठीक है, और इसको मैंने दूसरी तरफ मिरर, दोनों को मैंने ज्वाइन किया। देखो ये पूरा ना हमारा पूरा इक्वल आएगा। देखो मैंने अभी यहाँ पे इसको किया ट्रांसफॉर्म, अरे पोलार, 0 एंटर, ये हमें 6 लेना था ना, 6 एंटर, 360 एंटर, एंटर, तो देखो वो हमारा बिल्कुल प्रॉपर आया है, प्रॉपर आया है ना बिल्कुल। और इसको मैंने कंट्रोल जेड किया, इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा ठीक कर लेना है, एक्सप्लोर किया, दोनों के मैंने पॉइंट्स ऑन किए, यहाँ से थोड़ा सा गैप आ रहा है, इसको मैंने इस तरह से शेप दे देनी है इस तरह से, और पॉइंट्स ऑफ किए। ठीक है, अब मैंने दोनों लाइनों को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अभी इसको भी फिलहाल मैं हाइड करती हूँ और इन सब को मैं डिलीट कर देती हूँ। अब मैं शारी और अपनी कर्व लाइन शो करती हूँ। यहाँ पे मैं ना यहाँ पे दो तरीके से सरफेस बना सकती हूँ। अब मुझे सरफेस बनाना है और वो सरफेस भी ऐसा बनाना है कि वो नीचे की तरफ हल्का हल्का डूम है, देखो ज्यादा भी डूम नहीं है, हल्का हल्का डूम है बिल्कुल। ठीक है, तो मैं कैसे बनाऊंगी, प्रोस्पेक्टिव व्यू में आई मैं। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से पहले मैंने इन दोनों को मैंने यहाँ पे हाइड ही कर दिया, हाइड कर दिया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर किया। ठीक है, टॉप व्यू में जाके लगा लेती हूँ लाइन, आसानी हो जाएगी। इसको मैंने यहाँ पे मिड से मिड लाइन लगाई। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव व्यू में आके इसको मैंने यहाँ पे कर दिया री बिल्ड 4 पॉइंट से और ओके कर दिया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे पॉइंट्स ऑन किए। ठीक है, इसको अब मुझे नीचे की तरफ डोम बनाना है, तो मैं नीचे की तरफ लेके जाऊंगी इसको, तो नीचे की तरफ लेके जाऊंगी तो मैं माइनस यूज करूंगी, तो मैंने यहाँ पे किया -0.6 एंटर, तो देखो मेरा ये नीचे की तरफ डोम हो गया। अभी मैंने इसको यहाँ से पॉइंट्स ऑफ कर दिए। अब मैं यहाँ पे ना दो तरीके से सरफेस बना सकती हूँ। फर्स्ट है मेरा स्विप टू, फर्स्ट रेल सेकंड रेल पॉइंट, ये वाला एंड पॉइंट, उसके बाद क्रॉस सेक्शन को सिलेक्ट करना है, वापिस से पॉइंट, उसके बाद ये वाला एंड पॉइंट, ओके। देखो ये बन गया मेरा, इससे भी इजी तरीका है। इसको मैंने यहाँ पे कंट्रोल जेड किया, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है सरफेस फ्रॉम नेटवर्क कर्व्स। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया,
इस कर्व को पकड़ा, इस कर्व को पकड़ा और इस कर्व को पकड़ा और एंटर कर दिया और ओके कर दिया। देखो ये बन गया मेरा सरफेस। इसी तरह से मैंने यहाँ पे सारे अपने सरफेस बना लेने हैं, इसका भी और इसका भी। अब मैं इसको यहाँ से हाइड किया, इसको भी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हाइड रखती हूँ। सिंगल लाइन, मिड मिड इसको मैंने किया यहाँ पे, रिबिल्ड ओके, पॉइंट्स ऑन नीचे की तरफ लेके जाना है, सेम माइनस 0.6 एंटर, पॉइंट्स ऑफ सेम। इसको मैंने सॉरी पहले एक्सप्लोड करना पड़ेगा, इसको मैंने यहाँ से एक्सप्लोड किया। अब मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा नेटवर्क सरफेस, फर्स्ट कर्व सेकंड कर्व क्रॉस सेक्शन ओके। ठीक है, शो को मैंने किया हाइड, इसको मैंने किया पहले ही एक्सप्लोर कर लेती हूँ इसको। सिंगल लाइन, मिड मिड इसको मैंने यहां से कर दिया, रिबिल्ड ओके, पॉइंट्स ऑन किए सेम, माइनस 0.6 एंटर और ऑफ किया। फर्स्ट सेकंड बन गए मेरे सारे सरफेस। अब मैंने यहाँ पे सबको यहाँ पे शो कर लेना है। अब मैं यहाँ पे करूंगी सिलेक्ट, क्योंकि ये कर्व बार बार में आके परेशान करते रहते हो, सारे कर्वों को मैं डिलीट कर लूंगी। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब मैं इनको ना ऊपर नीचे रख लेती हूँ, क्योंकि ये बार बार में मेरे को हाइड अनहाइड करने पड़ रहे हैं, तो इसको मैं ऊपर रख लेती हूँ थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ रख लेती हूँ और इसको बीच में। ठीक है, पे जाऊंगी। अब मेरे को यहाँ पे जाली बनानी है। ठीक है, जाली भी वो बनानी है मुझे ऐसे ऐसे क्रॉस क्रॉस वाली। ठीक है, तो मैं इसको सीधा सिलेक्ट करूंगी, यहाँ पे आऊंगी कर्व में, क्रिएट यूवी कर्व, एंटर कर दूंगी सीधा और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ ले आऊंगी। ठीक है, अब इस पे मैं हैच पैटर्न अप्लाई करूंगी। आपको मैन्युअली ड्रॉ करनी, आप मैन्युअली भी लाइनें ड्रॉ कर सकते हो। इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे गई मैं डाइमेंशंस में, है मेरे पास ऑप्शन हैच, ये जाली वाला ही सिलेक्ट है पहले ही यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ से ओके कर दिया। ठीक है, अब ये मेरा पूरा ग्रुप में है, पूरा ग्रुप में होता है ना जब वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, सारी लाइनें जब अलग अलग होती है ना तभी इसके ऊपर अप्लाई होती है, तो मुझे ये एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। तो मैं पहले तो इन लाइनों का यहाँ पे कलर चेंज कर देती हूँ, ताकि मेरे को पाइप बनाऊंगी मैं जब इनको, तो मुझे एक एक लाइन नहीं सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो मैं सीधा कलर ही सिलेक्ट कर लूंगी। तो इनको मैंने पहले तो ये वाला कलर दे दिया एक साथ। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये वाला कलर सिलेक्ट करूंगी तो मेरी सारी लाइनें एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी। अब मैंने इनको एक्सप्लोर कर दिया। ठीक है, इनको मैंने देखो एक्सप्लोर कर दिया, सारी लाइनें अलग अलग हो गई। अब मैं यहाँ से इनको सीधा एक साथ सिलेक्ट करूंगी और इनको यहाँ से मैं रीबिल्ड भी कर लेती हूँ, और इनको मैंने यहाँ से ओके कर दिया। ठीक है, अभी मैंने इनको सबको सिलेक्ट करना है। ये यहाँ पे क्रिएट यूवी कर्व का ऑप्शन है और यहाँ पे अप्लाई का, तो अप्लाई यूवी कर्व्स, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्ट सरफेस टू अप्लाई, जिस सरफेस पे आपने इनको अप्लाई करना है ना उस सरफेस को सिलेक्ट करना है। देखो ये सीधा इसके ऊपर अप्लाई हो गया, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगी। अब इस वाले को भी ऐसे ही क्रिएट यूवी कर्व, एंटर, इसको यहाँ पे लेके आई, हैच पैटर्न ओके, इन लाइनों को भी मैंने ये रेड वाला कलर दिया और इनको भी मैंने यहाँ से एक्सप्लोर किया, सारी लाइनें एक साथ सिलेक्ट की। अच्छा ये वाली भी हो रही है, तो पहले मुझे यही वाला कर लेना था ना,
नहीं तो फिर वो बार बार में वो सिलेक्ट हो गई। इसको मैंने यहाँ पे किया हाइड, ठीक है। पहले मैं इनको ही पाइप कर लेती हूँ, तो सारी लाइनें मैंने सिलेक्ट की, इनको मैंने यहाँ से किया पाइप। कैप राउंड है, 0.4 करती हूँ, 0.4, एंटर, ठीक है। ये सारी लाइनें मेरी पाइप हो गई, ठीक है। अब मैं जो ये इसके बाहर की जो कर्व लाइन है ना वो सिलेक्ट करूंगी, ये कर्व लाइन है, इसको मैं ऐसे का ऐसे पाइप करूंगी ना, ये पाइप नहीं होगी, देखो PIPE पाइप, देखो वो पाइप होएगी ही नहीं। तो इसको पहले मैंने देखो एक्सप्लोड कर दूंगी ना, अब मैं यहाँ से इसको कर दूंगी पाइप, अब हो जाएगी ये। और ये जो मेरा बाहर का जो बॉर्डर है ना वो कम से कम 0.5 होना ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे लूंगी 0.5, एंटर, ठीक है। ये मेरा हो गया पाइप। अभी जो ये सरफेस है इसको मैं डिलीट कर दूंगी, ठीक है, बन गया ये मेरा। और इसको मैं फ्रंट व्यू में आके ऐसे ये ऊपर वाला इतना पोर्शन मैंने यहाँ पे ग्रुप करके रख लिया, और इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर देती हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मैं उसको शो करूंगी यहाँ पे, लाइन मैंने एक्सप्लोड कर ली थी सारी लाइनें एक साथ, अभी भी इसकी लाइनें सिलेक्ट हो रही है। इसको मैंने यहाँ से हाइड किया, इसको मैं हाइड ही कर देती हूँ, इसका मेरा काम खत्म हो गया ना, इसको मैं हाइड कर दूंगी, शो पूरा शो हो गया, इसको हाइड किया, ठीक है। अभी मैंने इन लाइनों को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से इनको मैंने रीबिल्ड किया, ओके किया, और यहाँ से अप्लाई यूवी कर्व सरफेस को सिलेक्ट किया। अभी मैंने इनको डिलीट कर दिया, और वापस से सारी लाइनें सिलेक्ट करके PIPE पाइप 0.4, एंटर एंटर, और वापस से बाउंड्री, इसकी बाउंड्री नहीं हो रही है सिलेक्ट, नहीं हो रही है, यहाँ से हम लेंगे डुप्लीकेट एज, इसको सिलेक्ट, वो सारी कर्व लाइन हमने डिलीट कर दी थी ना, इसको सिलेक्ट, एंटर, इसको इसको सिलेक्ट करके अब हमने कर देना है PIPE पाइप 0.5, एंटर एंटर, ठीक है। ये भी हो गया मेरा। अब इस वाले को भी मैं पहले सरफेस को डिलीट करती हूँ, इस सरफेस को मैंने डिलीट किया, थोड़ा और नीचे कर देती हूँ, और इसको मैंने यहाँ से ग्रुप किया, और मैंने यहाँ से इसको हाइड कर दिया। अब मैं इस वाले को भी सेम ऐसे ही अप यूवी कर्व, एंटर, क्रिएट यूवी कर्व, एंटर, हैच पैटर्न, ओके, पैटर्न को सिलेक्ट करके रेड वाला कलर दिया, इसको सीधा सिलेक्ट करके एक्सप्लोड किया, री बिल्ड, पूरे को सिलेक्ट करके अप्लाई यूवी कर्व, इसके ऊपर सीधा अप्लाई किया, और इस वाले को डिलीट किया, रेड वाली लाइनें सेलेक्ट करके PIPE पाइप 0.4, एंटर एंटर, बाहर वाली कर्व लाइन हो रही है इसकी सिलेक्ट, इसको पहले मैंने एक्सप्लोड किया PIPE पाइप 0.5, एंटर, ठीक है। ये वाला भी हो गया मैंने, और ये वाला सरफेस भी मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, और इस वाले को भी मैंने पूरा सिलेक्ट करके एक साथ इसको मैंने ग्रुप करके रख लिया। अब मैं सबको यहाँ पे शो करूंगी, ठीक है। को इसको बिल्कुल रोटेट करके ऐसे इसको बिल्कुल ऊपर खड़ा करना है, ठीक है। तो मैं इस वाले को लूंगी और राइट व्यू में आऊंगी, ठीक है। इस वाले को मैंने यहाँ पे किया रोटेट, जीरो, एंटर, शिफ्ट प्रेस करके लाइन को सीधा करा, और इसको मैंने इस तरह से रोटेट किया, ठीक है, और इसको वापस से पकड़ के यहाँ पे लेके आई सेंटर से इस तरफ। ये मेरा रोटेट हो गया, कम ज्यादा करना है तो मैं बाद में करूंगी इसको, अभी मैं इसको पहले टॉप व्यू में जाके एक बारी ट्रांसफॉर्म करके देख लेती हूँ। ट्रांसफॉर्म, अरे, अरे पोलार, जीरो, एंटर, फोर, एंटर,
360 एंटर एंटर। प्रोस्पेक्टिव व्यू में जाके देखती हूँ ये कैसे मेरा क्या आ रहा है। ये देखो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के अंदर ही घुस गया बिल्कुल। इसको मैं अगर चाहूँ तो थोड़ा सा उस तरफ भी ले सकती हूँ। यहाँ पे ही मैं इसको पहले प्लास्टिक कर देती हूँ, ठीक है। इस वाले को मैंने सिलेक्ट करके थोड़ा सा बाहर लिया, ये सारे खुल जाएंगे क्योंकि मेरी राइनो हिस्ट्री ऑन है, ठीक है। देखो ये मेरा इस तरह से बन गया, ठीक है। ये इसी तरह से है, इसके बीच में अभी तो वो भी आएगा ना, डायमंड रखना और बीजल रखना है, तो पहले हम यही रख लेते हैं, ठीक है। उससे हमें आइडिया हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, टोफ्यूम पहले मैं डायमंड ले लेती हूँ। यहां से मैंने लिया जैम लिया, टू पॉइंट फाइव एमएम का रखा मैंने, ठीक है। इस जैम को मैंने सिलेक्ट करके यहाँ से F6 प्रेस करके यहाँ से मैंने इसका बीजल लगा लिया। यहाँ से मुझे कम ज्यादा कुछ करना है, मुझे यहाँ से डूम हाइट कम ज्यादा करनी है तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। जो भी मुझे यहाँ से चेंज करना है, इसको मैं यहाँ से अंदर कर सकती हूँ थोड़ा सा। कहाँ पे डूम हाइट, हाँ डूम हाइट मैं यहाँ से थोड़ी कम करती हूँ इसकी। इसको मैं बाद में चेंज करूंगी, अभी फिलहाल इसको मैं रख देती हूँ। बस इसके लिए एक बारी ये सेट हो जाएगा। शिफ्ट प्रेस करके इसको मैंने यहाँ पे ग्रुप किया और इसको मैं फ्रंट व्यू में जाके और यहाँ पे रख के देखती हूँ। लेके आई, ऐसे ही रखना है ये या और ऊपर रखना है? इसके बिल्कुल मिला हुआ है इतना, इससे ऊपर होना चाहिए ये वाला हिस्सा। इसको मुझे और ऊपर करना पड़ेगा, और ऊपर किया मैंने इसको, यहां पे किया। को थोड़ा और पास किया, या एक ऑप्शन और भी है हमारे पास, हम यहां से डायमंड थोड़ा सा बड़ा रख लेते हैं क्योंकि ये बहुत सारा स्पेस हमें बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है ना, तो हम यहाँ पे थोड़ा डायमंड ही बड़ा रख लेंगे ताकि वो पूरा कवर हो जाए हमारा। डायमंड बड़ा रखना पड़ेगा हमें, तो हम यहां से अपना डायमंड बड़ा ले लेते हैं। इसको मैं डिलीट करती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा डायमंड ले लेती हूँ क्योंकि वो हमने डायमंड के हिसाब से नहीं बनाया ना, अब हमें इसके हिसाब से डायमंड रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं टॉप व्यू में आऊंगी, किया इसको यहां से गई मैं जैम लोडर में, 5 mm का देखती हूँ डायमंड लेके, हाँ 5 mm देखती हूँ एक बारी। इसको मैं प्रोस्पेक्टिव व्यू में आई, इसको मैंने F6 प्रेस किया, बीजल किया, ऑटोमेटिक वो वाली सेटिंग यू की यू आ गई और इसको मैंने राइट क्लिक कर दिया। इसको शिफ्ट प्रेस करके इसको मैंने यहाँ से दोनों को ग्रुप कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फ्रंट व्यू में आके इसको ऊपर लेके आऊंगी। यहाँ तक मैं ऊपर लेके आई, देखती हूँ प्रोस्पेक्टिव व्यू में, ठीक है। देखो ये, इसको थोड़ा और नीचे लूंगी मैं, ज्यादा ऊपर है ये, और नीचे किया इसको मैंने, ऐसे ही है पिक्चर में।
ये पूरा यहाँ तक ऐसे मर्ज हो रहा है और ऊपर हमारा बीजल है। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे करके देखती हूँ। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे लाइनें मर्ज हो रही है। ठीक है, अभी मैं इसी तरह से यहाँ पे सबको घुमा के सेट कर लूंगी। इसी तरह से मैंने ये भी घुमानी है, पर इससे कम घुमानी है। ये बिल्कुल ज्यादा है, ये इससे कम है और ये इससे कम है। तो इसको भी मैं सेम राइट व्यू में गई, यहाँ से मैंने रोटेट का कमांड पकड़ा, 0 एंटर किया, शिफ्ट प्रेस करके सीधा लाइन को लिया और इस तरह से इसको फिलहाल इतना रोटेट करके देखती हूँ। इसको टॉप व्यू में आई, इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इस वाले को मैंने हाइड किया। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इस तरफ लेके आऊंगी, थोड़ा सा मैं यहाँ पे पीछे लेके आई इसके इतना, और इसको मैंने यहाँ पे किया ट्रांसफॉर्म। इसको हमें 6 करना था ना, अरे पोलार, 0 एंटर, 6 एंटर, 360 एंटर, एंटर। अब यहाँ से देखूंगी, देखो ये मेरी पत्तियां यहाँ पे मिली हुई है। ठीक है, तो मैं इसको एक स्टेप यहाँ से आगे किया, थोड़ा सा और थोड़ा आगे किया, ये बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से मिलनी चाहिए। ठीक है, देखो प्रोस्पेक्टिव व्यू में ये हो गया मेरा। अभी मैं ये बिल्कुल नीचे है, अभी मैं इनको ऊपर लूंगी। ठीक है, एक को लूंगी ऊपर, सारी ऊपर हो जाएंगी क्या? इसको मैंने सिलेक्ट किया, को मैंने अप किया, हाँ देखो सारी अप हो रही है। ठीक है, इसको और ऊपर लेती हूँ मैं, हो गई सारी अप, थोड़ा सा और लेती हूँ, तो हो गई है इस तरह से सेट। मैंने वो थर्ड वाली लास्ट वाली करनी है, उसको भी मैंने शो किया, और इसको मैंने, हाँ इसको मैंने, ये जो है ना मेरी, देखो ये वाली इन दोनों के बीच में है, ये तो इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है, बट ये बीच में है। तो इसको मैं कैसे करूंगी, वापिस से सिंगल लाइन ली, 0 एंटर किया और मैंने शिफ्ट प्रेस करके यहाँ तक लाइन लगा ली, और इसको वापिस से मैंने यहाँ पे कर दिया ट्रांसफॉर्म, अरे अरे पोलार, 0 एंटर, 12 एंटर, 360 एंटर, एंटर। वापिस से मैंने 12 लाइनें लगा ली। ठीक है, इसको मैंने पकड़ा, यहाँ से मैंने रोटेट का कमांड पकड़ा, 0 एंटर किया, इस लाइन के एंड पॉइंट से इसको इस लाइन के एंड पॉइंट पे ऐसे वो कर दिया। बट उससे पहले मैं इसको ना ऊपर की तरफ रोटेट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो मैं कंट्रोल जेड किया, इसको मैंने पकड़ा, यहाँ पे आई राइट व्यू में, इसको मैंने ऊपर की तरफ रोटेट कर लूंगी। यहाँ से रोटेट का कमांड लिया, 0 एंटर किया, शिफ्ट प्रेस करके इसको भी मैंने इसी तरह से इतना घुमा लिया। ठीक है, अब मैं टॉप व्यू में जाऊंगी, अब इसको उस तरफ लूंगी मैं, यहाँ से मैंने रोटेट का कमांड पकड़ा, 0 एंटर किया, इस लाइन का एंड पॉइंट सिलेक्ट करके इस लाइन के एंड पॉइंट पे इस तरह से रोटेट कर दिया। अभी प्रोस्पेक्टिव व्यू में जाके देखती हूँ कैसी है, ये क्या है। अभी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर्व करके एक बार ये लाइनें मैं सारी डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, जिसको ऊपर लेके आना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ पे ऊपर लेके आऊंगी, यहाँ पे रखा इसको और ऊपर रखूंगी। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर किया, बिल्कुल इनके साथ मर्ज किया इसको, यहाँ पे रखा इस पत्ती को, ठीक है। अभी मैं टॉप व्यू में जाके इसको भी अरे पोलार कर लूंगी, ट्रांसफॉर्म,
अरे अरे पोलार, 0 एंटर, 6 एंटर, 360 एंटर, एंटर हो गया मेरा। देखो ये लाइन है मेरी ऐसी आ रही है, ये यहां से मेरी बिल्कुल ओपन है, ये यहां से मेरी जॉइंट हो रही है। ठीक है, अभी मैं प्रोस्पेक्टिव व्यू में जाके देखती हूँ। देखो हमारी भी ऐसे ही आ रही है, इसको थोड़ा सा आगे करना है, हम और आगे भी कर सकते हैं, बट मुझे इतना भी ये ठीक लग रहा है। ठीक है, यहाँ से बीजल की हाइट कम करनी है यहाँ पे, तो मैं इसको बीजल को यहाँ पे वापस से अनग्रुप करूंगी। ठीक है, और वापस से इसको यहाँ पे डाल दूंगी, बीजल को एडिट करूंगी वापस से, और यहाँ से इसकी हाइट कम करूंगी। फ्रंट व्यू में आऊंगी मैं, यहाँ से इसकी हाइट कम कर दी मैंने, इतनी तो रखूंगी कि ये इसके नीचे रहे, इतनी रखी। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव व्यू में आई मैं, थोड़ा कम करना है, इतना रखा मैंने इसको, और राइट क्लिक कर दिया। ठीक है, हो गया ये मेरा इस तरह से सेट पूरा। को इसका लुक बनाना है, हाइड लुक, तो हाइड लुक कैसे बनाऊंगी मैं, तो देखो ये इसका यहाँ पे ये लुक बना हुआ है पीछे, देखो ये हाइड लुक, तो मैं वो भी बना लेती हूँ। ठीक है, तो मैं टॉप व्यू में गई। ठीक है, तो टॉप व्यू में मैंने सिंगल लाइन ली, 0 एंटर नहीं, सीधा सीधा ही लेती हूँ मैं यहाँ पे 5 mm की लाइन ले लेती हूँ। ठीक है, स्विफ्ट प्रेस करके। ठीक है, अभी मैंने इसको यहाँ पे री बिल्ड कर लिया 4 पॉइंट से ही। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसके पॉइंट्स ऑन किए। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को पकड़ के मुझे नीचे की तरफ ही झुकाना है इसको, तो मैं यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव व्यू में आऊंगी, तो मैं माइनस में लूंगी पॉइंट, दोनों पॉइंट सिलेक्ट है ना मेरे, हाँ, तो मैं यहाँ पे इसको नीचे की ओर किया, मैंने यहाँ पे किया -2 एंटर, तो ये झुक गया मेरा, क्योंकि इसके अंदर से मुझे चेन पास करनी है, तो उसके लिए भी तो मुझे जगह चाहिए ना, तो 1 mm की तो कुछ तो मेरी चेन भी होगी ना, तो वो भी तो इसके अंदर से पास होनी चाहिए ना, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे -2 किया। ठीक है, और यहाँ से मैंने पॉइंट्स ऑफ कर लिए। ठीक है, अभी इसको मैंने यहाँ पे कर दिया पाइप, यहाँ पे मैंने कैप राउंड, यहाँ पे मैंने इसको 0.7 लिया, 0.7 एंटर, 0.7 एंटर, एंटर। ठीक है, इस तरह से बन गया ये मेरा। अब इसको भी इसी तरह से राइट व्यू में जाके मैं इसको भी इसी तरह से घुमा लूंगी। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ से किया मूव नी रोटेट, रोटेट 0 एंटर, इसको भी मैंने इसी तरह से रोटेट कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको सेट करूंगी प्रॉपर, टॉप व्यू में आऊंगी, पहले तो मुझे इसको यहाँ पे लेके आना है, इसको हमें ना इस लॉक को सीधा ही रखना है इसकी तरह से, हमें इसको ऐसे नहीं करना कि इसकी पोजीशन में हमें को इसको घुमा देना है, ये हमारा सीधा ही रहेगा। ठीक है, लॉक तो हमारा सीधा ही होएगा ना, वो तो नहीं हमारा तिरछा होएगा, और इसको मैं प्रॉपर सेट कर लूंगी, थोड़ा सा इसको इस तरह से किया, ये यहाँ पे भी मर्ज होना चाहिए और यहाँ पे भी मर्ज होना चाहिए, इसके अंदर से वो हमारी चैन पास होगी, थोड़ा सा इस तरफ। ठीक है, ऊपर भी मर्ज हो रहा है, नीचे भी मर्ज हो रहा है। ठीक है, और इसको मैंने दूसरी तरफ मैं इसको मिरर कर लूंगी। ठीक है, तो ये मेरा लॉक भी हो गया।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो कंप्लीट है मेरी।